हेलो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे जो बिहार बोर्ड का पता 12 का एग्ज़ाम इस बार दिए होंगे, और बहुत सारे लोग को पता ही होगा बिहार बोर्ड का कॉपी इस बार अच्छे से चेक नहीं हुआ, उसके कारण बहुत सारे का रिजल्ट को जो था वो ख़राब आया था रिजल्ट साइंस में, साइंस स्ट्रीम में। और उसी को लेते हुए सरकार ने स्क्रूटनी का एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए बोला था, तो स्क्रूटनी के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसका रिजल्ट भी आ गया है स्क्रूटनी का। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है आपके अपने फ़ोन से। अभी देखिए, सबका रिजल्ट नहीं आया, जैसे आप 3 सब्जेक्ट का किसी का अप्लाई किए होंगे, तो 2 सब्जेक्ट का किसी का आ गया होगा, 1 सब्जेक्ट का नहीं आया होगा, तो आप बार बार तो साइबर में जाएंगे नहीं चेक कराने के लिए। अपने आपके पास फ़ोन है तो आप अपने फ़ोन से ही चेक कर लेंगे कि कैसे वो रिजल्ट चेक करेंगे, ठीक ना। तो मैं आपको इसके वीडियो में बताऊँगा आप कैसे चेक करेंगे। देखिए, ये जो अभी लिंक खुला है ना, ये लिंक अभी मैं इसी लिंक को खोलूंगा अभी कॉपी करके, तो फिर लिखेगा कि आप इसको लैपटॉप में खोले या कहीं और खोले। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूं, इस लिंक को मैं अभी कॉपी करके खोलूंगा तो यहां पे लिखेगा कि इस मोबाइल में खोलने के लिए, ये मोबाइल में नहीं खुल सकता, ठीक ना। लेकिन मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा, देखिए यहां पे लिखा प्लीज डू नॉट एक्सेस दिस पोर्टल फॉर एनी मोबाइल डिवाइस। यहां पे देखेंगे, यहां पे डेस्कटॉप साइड पे भी करेंगे तो यहां पे ही आ गया, लेकिन मैं अभी इसको आपको बताऊंगा। वैसे वैसे आप खोलेंगे तो आप एकदम सिंपल से और इजी वे में खोल लेंगे, ओके। तो आपको मैं बताता हूँ, जो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिहार बोर्ड से जुड़ी ऐसे ही बहुत सारे खबर के लिए। और खबर नहीं बोले तो रिजल्ट आपको एकदम प्रोसेस बाई प्रोसेस मैं करके दिखाता हूँ, ठीक ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप, और इस वीडियो इसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके। तो मैं बताता हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पांडे जी की पाठशाला में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल वाला बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये बगल में जो बेल का आइकन है इसे भी। हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको कहाँ दे दूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना। इस वेबसाइट पे आप उस डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक ना। अगर आप वैसे भी बिहार बोर्ड BSEB/scrutiny मारते हैं तो आपका वो नहीं खुलने वाला है मोबाइल फोन में, ठीक ना। तो यहाँ से आप खुलेंगे तो खुल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आएगा बिहार बोर्ड स्क्रूटनी, यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन आएगा बिहार बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म, और यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन होता है। हम लोग सब लोग रजिस्टर, आपको पता है कि रजिस्टर जो शुरू में किया जाता है, लॉगिन आप देखने के लिए किया जाता है। तो हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे खुल गया, देखिए। लेकिन आपके फ़ोन में इसको डेस्कटॉप साइट पे खोलना होगा, आपके फ़ोन के मोबाइल फ़ोन पे नहीं खुलेगा, इसको डेस्कटॉप साइट पे खोलना होगा। तो यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रहा हो, इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, ओके। इस 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट दिख रहा है, ठीक ना। तो ये डेस्कटॉप साइट पे हम लोग क्लिक कर देंगे, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, रोल कोड आपका। मैं यहाँ पे जरा ढक लूँगा, रोल कोड और रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक ना। तब फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप रोल कोड देखिए, अभी फर्जी नहीं है, यहाँ पे आप रोल कोड भी डाल सकते हैं, तो मैं रोल कोड डाल देता हूँ। हाँ तो फ्रेंड देखिए आपको कैसे डालना है, यहाँ पे रोल कोड डाल लेना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर आपका डाल लेना है, फिर यहाँ पे आपका कौन सा ये फैकल्टी था, साइंस था, कॉमर्स था, या जो भी था, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस कॉमर्स वोकेशनल कुछ भी। तो यहाँ साइंस पे आपका होगा साइंस, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड के रूप में डाल लेना है जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया होगा वो। और यहाँ पे हम लॉग इन करते हैं, तो जरा अपने सिक्योरिटी के लिए मैं जरा ढक लेता हूँ, जिसका है उसका सिक्योरिटी ढक लेता हूँ जरा, सही है। हाँ तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे स्क्रूटनी का स्टेटस सब आ गया, ऊपर में नाम वोम था उसके लिए मैं ऊपर के ढक चुका हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए स्क्रूटनी का सब आ गया, ठीक ना। यहाँ पे पेमेंट आ गया, ट्रांजेक्शन स्लिप पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, ट्रांजेक्शन स्लिप यहाँ से देख सकते हैं, फिर यहाँ पे स्क्रूटनी एप्लीकेशन रिपोर्ट देख सकते हैं, फिर स्क्रूटनी मार्क्स रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं मार्क्स रिपोर्ट देखता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लिक फॉर प्रिंट पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक ना। तो मैं जरा सिक्योरिटी के लिए ढक ले। हाँ तो आप देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे जो देखिए अभी जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई हुआ था तो उसमें नो चेंज है, यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं न्यू मार्क में नो चेंज यहाँ पे दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक ना। और यहाँ फिजिक्स में जो एक नंबर बढ़ा हुआ है, अल्टरनेटिव इंग्लिश में यहाँ पे अवेटिंग दे रहा है, यहाँ पे देखिए नो चेंज, ये चेंज, ये अवेटिंग। तो ऐसे ही 2 चेक हो गया है, 1 चेक अभी नहीं हुआ है। तो आप ऐसे ही करके अपना स्क्रूटनी का रिजल्ट आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कैसे कैसे देखना है, ठीक ना। आप वहाँ से एकदम देख सकते हैं सिंपल से, ओके। तो आपको अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उन लोग भी देख लेंगे मोबाइल फ़ोन से कैसे देखते हैं, ठीक ना। तो अभी देखिए बार बार जैसे अभी मेरे को ये देखना था तो मैं देख लिया, फिर वेटिंग में उसके लिए तो मैं जाऊंगा नहीं ना, वहाँ पे साइबर में या कहीं भी नहीं जाऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप सिंपल से आप फ़ोन में हमेशा जो भी करके बार बार आप देख सकते हैं। आप साइबर में जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही पैसा कुछ हमेशा चार्ज लगता है साइबर में, या चाहे साइबर कहीं होंगे भी नहीं, बिहार में बहुत सारे ऐसा जगह होते हैं जहाँ साइबर तो आप फ़ोन में ही देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, मैं आपको आपको स्टेप बाई स्टेप बताया हूँ। आप वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब, जो लाल वाला बटन है उसको दबा के आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ओके। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।